हाथरस के सादाबाद के गांव जारू में करीब 3 दर्जन खरगोश मिले थे। इनके मरने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि खरगोश को कोई व्यक्ति मेले में बेचने आया था और जब वह मरने लगे तो उन्हें छोड़कर भाग गया। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि इनका मरना गर्मी के कारण भी हो सकता है। सासनी के गांव रुदायन में भी कई जगह लगभग 2 दर्जन खरगोश मरे पड़े मिले। जब लोगों ने इन्हें पड़ा देखा तो इसकी सूचना वन विभाग और पशु चिकित्सालय में दी। सूचना मिलने पर दोनों विभाग की टीमों ने आकर जांच पड़ताल की। पशु स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर ही उनका पोस्टमार्टम भी किया। बताया गया कि यह ठंडक में रहने वाले जीव हैं और गर्मी की वजह से मरे होंगे। वन विभाग कर्मी ने बताया यह पालतू लग रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद मौके पर इन्हें दफना दिया गया और जांच पड़ताल की जा रही है। ये कितने खरगोश मरे हैं लगभग? सब 25 बता रहे हैं। 28 25 कैसे मरे हैं, कुछ पता चला क्या? सब पता कुछ नहीं चला, पोस्टमार्टम से पता चला ये पालतू है, जंगली तो नहीं है। किसी के द्वारा डाले गए हैं? हाँ, किसी के द्वारा डाले गए हैं, जंगली नहीं है। कोई खेत पेत में भी ऐसा दवा कीटनाशक दवा नहीं है, इससे मर गए हूँ, कोई चीज ही नहीं दिख रही है। अच्छा, दूसरा मामला है जिले में जी, कल सादाबाद में भी मिले थे ऐसे ही? हाँ मिले थे सर, मुझे जानकारी नहीं। कल सादाबाद में भी 28-30 मिले थे। चलो ठीक है, तो कोई कार्रवाई? अब सादाबाद भाई जाने, मैं तो कार्रवाई करूंगा इसकी, जो पोस्टमार्टम वगैरह जो है विधिवत कार्रवाई वो करेंगे। खरगोश मिले हैं और उनको देख के ये लग रहा है कि हीट स्ट्रोक की वजह से, गर्मी भी पड़ रही है तो ये, क्योंकि ठंडे प्रदेश में या ठंडक में रहने वाले वो हैं, तो प्रथम दृष्टया तो यही है कि गर्मी हीट स्ट्रोक की वजह से खत्म हो गया। PME करेंगे आप? जी जी जी।